हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है? इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखते हैं इसका। फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सम में है और फिर इनटू में यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे है 1, 3, -1, -4, फिर प्लस में दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ 3, -2, -1, 1। इन दोनों को ऐड कर देना है और फिर जो आएगा मैट्रिक्स उससे हमने इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, 1, 3, 5, 2, 4, 6। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम ही ऑर्डर का है, इसको आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आपका माइनस का 2 और फिर यहाँ माइनस का 3। ठीक है, इनटू में जो दूसरा मैट्रिक्स है 1, 3, 5, 2, 4, 6। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए देखना होगा कि इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है। देखिए इसमें दो कॉलम है और इसमें दो रो है, प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -2, -6। फिर फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और प्लस का 4। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6, -12। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट रो में करेंगे थर्ड वाले कॉलम से तो आ जाएगा 20 + 6। सेकेंड रो में करेंगे थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा आपका -10 और -18। तो यहाँ से फाइनली आपका क्या होगा, देखो यहाँ 6, यहाँ पे 16, यहाँ 26। यहाँ देखिए -8, -18 और -28। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक रॉ मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स जो देख रहे हैं प्रोडक्ट में है 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 1, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 1, 2 और एक और तीसरा मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है, यानी तीन मैट्रिक्स यहाँ प्रोडक्ट में है। इनको प्रोडक्ट करके हमें फाइंड करना है, देखिए 2, 4, 6। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आएगा उससे फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और इसमें नंबर ऑफ रॉ 3 है, तो इनका प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 4 + 0। अब देखिए इसमें और कोई अदर रो नहीं है ताकि आप कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, तो एक ही रो था तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो के साथ सेकंड वाले कॉलम में करते हैं हो जाएगा 0 + 0 + 3। फिर हम लोग फर्स्ट रो में थर्ड वाले कॉलम से करते हैं तो हो जाएगा अब यहाँ पे आपका 2 + 2 + 6 और इनटू में यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2, 4, 6। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 3, 10 और यहाँ एक कॉलम मैट्रिक्स है 2, 4, 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देख लीजिए एक रॉ और एक कॉलम है इसमें, देखिए ये रॉ मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तो 3 है और इसमें नंबर ऑफ रॉ 3 है, तो इसका प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 12, 60। यहाँ से क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा ना। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, 1/1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिलके आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, 5 का थर्ड नंबर। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है और ये इनटू में है यहाँ पे दो मैट्रिक्स के डिफरेंस के साथ, तो पहले हम लोग यहाँ सबट्रैक्ट कर लेंगे और जो आएगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या है, 1, -1, 0, 2, 2, 3। चलिए यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे 1, -1, 0, 1, 0, -1। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम देख लेंगे इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसमें नंबर ऑफ रॉ 2 है, इक्वल है, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 1, -1। सेकेंड रॉ में फिर फर्स्ट कॉलम से ही करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 + 2। फिर आप थर्ड रॉ में करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम से तो हो जाएगा आपका 2 + 3। फर्स्ट रॉ में करेंगे सेकेंड कॉलम से तो आपका हो जाएगा -1
माइनस जीरो, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो हो जाएगा माइनस का जीरो और प्लस का जीरो। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से, तो माइनस का टू प्लस का जीरो। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ तो हो जाएगा जीरो प्लस वन। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस का टू। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, जीरो माइनस थ्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू फाइनली, जीरो माइनस वन वन, टू जीरो माइनस टू, फाइव माइनस टू माइनस थ्री, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या कह रहा है। इफ ए बी एंड सी, देखिए यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन सो डैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तीनों इक्वल होगा किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, दो ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं हम लोग तीनों को निकाल कर। ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर का मतलब यही ना हुआ कि ए इंटू ए। चलिए ए मैट्रिक्स को दो बार हम यहाँ लिखेंगे, वन जीरो जीरो वन, और इंटू में वन जीरो जीरो वन। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस जीरो। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आपका आ जाएगा जीरो प्लस जीरो। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जीरो प्लस जीरो। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो जीरो प्लस वन। तो यहाँ फाइनली आ जाएगा आपका वन जीरो जीरो वन। तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो गया, इसका ऑर्डर है टू, यानी दो बाई दो ऑर्डर का है, आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, बी स्क्वायर की बात करते हैं, यानी कि हमें बी इंटू बी करना होगा। तो बी मैट्रिक्स को दो बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, वन जीरो जीरो माइनस वन, इंटू में वन जीरो जीरो माइनस वन। चलिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो वन प्लस जीरो। सेकेंड रो में फिर फर्स्ट कॉलम से, तो आपका हो जाएगा यहाँ जीरो माइनस जीरो। फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो आपका हो जाएगा जीरो माइनस जीरो। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो जीरो प्लस वन। तो यहाँ भी फाइनली आपका आ जाएगा वन जीरो जीरो वन, यही ना आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी तो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ना हो गया दो ऑर्डर का। चलिए चलते हैं, अब सी स्क्वायर हमें निकालना है, सी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि सी इंटू सी करेंगे। तो देखिए सी मैट्रिक्स दिया हुआ है जीरो वन वन जीरो, और इंटू में फिर से जीरो वन वन जीरो। चलिए मल्टीप्लाई करके यहाँ भी देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो जीरो प्लस वन। सेकेंड रो में सेकेंड फर्स्ट कॉलम से, तो आपका हो जाएगा जीरो प्लस जीरो। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जीरो प्लस जीरो। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ वन प्लस जीरो। तो यहाँ से भी वही आ जाएगा वन जीरो जीरो वन। तो ये भी एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आ गया दो ऑर्डर का। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए ना, देयरफॉर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ऑर्डर का, समझ गए। चलिए सेवन नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है दो बाई दो ऑर्डर का, हमें वैल्यू निकालना है थ्री ए स्क्वायर माइनस का टू बी और प्लस में आइडेंटिटी, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो थ्री ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, दो बार लिखना होगा, यानी कि टू माइनस वन थ्री टू, इंटू में टू माइनस वन थ्री टू माइनस टू। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, जीरो फोर माइनस वन सेवन और प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ वही वन जीरो जीरो वन, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दो ही ऑर्डर का लेना होगा। पहले हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा यहाँ फोर माइनस थ्री। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से फोर माइनस थ्री हो जाएगा। सेकेंड रो में फिर फर्स्ट कॉलम से, यहाँ हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स। फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो माइनस का टू माइनस का टू, ठीक है। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का थ्री और प्लस का फोर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो, यहाँ टू से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जीरो एट माइनस टू फोर्टीन, ठीक है। और यहाँ पर है आपका वन जीरो जीरो वन। यहाँ देखिए सॉल्व करिए, थ्री इंटू में यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स क्या होगा, वन माइनस फोर ट्वेल्व वन माइनस, यहाँ पे मैट्रिक्स है आपका जीरो एट माइनस टू फोर्टीन और प्लस में यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वन जीरो जीरो वन,
ठीक है, चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब एलिमेंट पे इस स्केलर क्वांटिटी से, तो यह 3 -12 36 और यहाँ 3 -08 -2 14 और फिर आपका यहाँ पर देखिए ये है आपका 1001। तो इसको इसको ऐड कर देते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो प्लस में है उनको ऐड कर लेते हैं पहले, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4 -12 36 4 और यहाँ है माइनस में 08 -2 14। चलिए सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट करके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 4 -20 यहाँ पर 38 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -10। ये 14 है, यहाँ 14 है, 4 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे -10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए देखिए एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, हमें प्रूव करना है कि ए माइनस टू आई और इन टू में ए माइनस थ्री आई किसके इक्वल होगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इन दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए माइनस टू आई। ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर है आपका 4 2 -1 1 -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो ऑर्डर कर लेंगे 1 0 0 1। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ है 4 2 -1 1 और यहाँ -2 0 0 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 फिर यहाँ पे 2 यहाँ -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, अब लेते हैं ए माइनस थ्री आई का वैल्यू, तो ए मैट्रिक्स देख लो यही ना है 4 2 -1 1 और -3 और यहाँ पर है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। चलिए सॉल्व करते हैं 4 2 -1 1 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आएगा, 1 2 देखिए 1 2 फिर आपका -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं ए माइनस टू आई और इनटू में ए माइनस थ्री आई, हमें इन्हीं का ना प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ रख देते हैं 2 2 -1 -1 और इनटू में यहाँ हो जाएगा 1 2 -1 -2। चलिए मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा 2 -2, सेकेंड रो में फिर फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ आ जाएगा -1 + 1 फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 -4 और सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो -2 + 2। तो देखो तो हर एक एलिमेंट जीरो हो गया, तो जब हर एक एलिमेंट जीरो देखने को मिल रहा है तो यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो यही ना मैं प्रूव करके दिखाना था जीरो मैट्रिक्स होगा इसका वैल्यू। चलिए देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ ए मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, शो करना है कि ए स्क्वायर यह होगा और ए क्यूब यह होगा, प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ए स्क्वायर का मतलब क्या है आपका ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स का तो वैल्यू दिया है ना 1 1 0 1 और इनटू में फिर यही लिख देंगे 1 1 0 1। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 + 0, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 0 + 0, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा 1 + 1 और सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1। तो फाइनली यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ देखो 1 2 0 1 देखिए, तो ए स्क्वायर नहीं आ गया, यही ना प्रूव करना था, ये आपका ए स्क्वायर का ही ना वैल्यू है, ए स्क्वायर का ही वैल्यू है, यही हमें दिखाना था, हमने ला दिया। चलिए अब ए क्यूब की बात करें तो ए क्यूब को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए और ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 1 2 0 1 और इंटू में मैट्रिक्स ए यहाँ दिया हुआ है 1 1 0 1। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा 1 + 0, अब देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से ही करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 + 0, फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो 1 + 2, सेकेंड रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो 0 + 1, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 1 3 0 और यहाँ 1, यही ना मैं प्रूव करना था, देखो तो ये क्यूब का वैल्यू यही आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ ए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, हमें प्रूव करना है या शो करने के लिए कह रहा है कि ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स होगा, तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं,
ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स यहाँ दिया है, देखिए आप ए बी बी ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और इंटू में फिर इसी को लिख देंगे ए में ए से मल्टीप्लाई करने के लिए, ए बी बी ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट वाले कॉलम से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से, तो माइनस ए क्यूब बी और प्लस का ए क्यूब बी, फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, सेकेंड रो में सेकेंड वाले कॉलम से, तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो तो हर एक एलिमेंट जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, यानी कि ये एक क्या क्या हो गया, एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। हमें ये ना प्रूव करना था कि ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स होगा, समझ गए ना, ये ओ से डिनोट करते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स को, ए स्क्वायर इक्वल टू ओ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। इफ ए देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, हमें ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखिए ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसी को दो बार लिखेंगे ना यहाँ पर, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ए ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई इसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, यहाँ 2 होगा, कॉस 2 थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर 2 थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा है यहाँ पर, ठीक है फिर से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसे ऐड कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा कि नहीं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ भी 2 देखो मैंने छोड़ दिया गलती से, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों माइनस का, तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 11th में कि कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, और साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। अब आप देखो यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसी फॉर्म पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी a की जगह यहां 2 थीटा दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कॉस 2 इंटू में ए के जगह पे क्या आ जाएगा 2 थीटा। ये वाला देखो 2 साइन ए कॉस बी इसी फॉर्म पे है, इसका फॉर्मूला साइन 2 ए होता है, यानी कि हो जाएगा साइन 2 ए के जगह पे है 2 थीटा है। यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला नीचे वाला लग जाएगा, तो माइनस साइन 2 इंटू में 2 थीटा, यहां पर हो जाएगा कॉस, ये ऊपर वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है, देख रहे सेम ही है यहाँ वाला टर्न, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 इंटू 2 थीटा। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा यहां से कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, यही ना हमें निकालना था ए स्क्वायर का वैल्यू, निकाल दिया हमने, समझ गए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ ए एंड बी देखिए 3x3 ऑर्डर के ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए, सो डेट ए बी इक्वल टू बी ए, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, जीरो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। चलिए देखते हैं एक एक करके, ए बी निकालते हैं और बी ए निकालते हैं। ए बी यानी ए मैट्रिक्स में बी से मल्टीप्लाई करना, ए मैट्रिक्स का यहाँ वैल्यू दिया है 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 4 5 1 माइनस 3 माइनस 4, और मैट्रिक्स बी देखिए यहाँ पर है माइनस 1 3 5
वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन थ्री फाइव। चलिए अब हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का टू माइनस का थ्री प्लस का फाइव। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो प्लस का वन प्लस का फोर माइनस का फाइव। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का वन माइनस का थ्री प्लस का फोर। फर्स्ट रो में आप सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिक्स माइनस माइनस प्लस का नाइन और माइनस का फिफ्टीन हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। फर्स्ट रो में हमने सेकेंड कॉलम से किया, अब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का थ्री माइनस का ट्वेल्व और प्लस का फिफ्टीन। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा थ्री प्लस नाइन माइनस का ट्वेल्व। चलिए अब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन प्लस का फिफ्टीन और माइनस का ट्वेंटी फाइव। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का फाइव माइनस का ट्वेंटी और प्लस का ट्वेंटी फाइव। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फाइव प्लस का फिफ्टीन माइनस का ट्वेंटी। तो देखिए तो हर एक एलिमेंट जीरो 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 नहीं हो जाएगा, तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही ना होगा थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। चलिए आप बी इंटू ए निकालते हैं, यानी बी ए की बात करते हैं। तो पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स को। तो बी मैट्रिक्स पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर बी का वैल्यू यही है और ए का वैल्यू ये है। माइनस वन थ्री फाइव, वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन थ्री फाइव। और इनटू में है हमारा ए मैट्रिक्स टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन फोर फाइव वन माइनस थ्री माइनस फोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का टू माइनस का थ्री प्लस का फाइव। ठीक है, चलिए अब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा टू प्लस थ्री माइनस फाइव। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका हो जाएगा यहाँ माइनस का टू माइनस का थ्री प्लस का फाइव। चलिए फर्स्ट रो में आप सेकेंड कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का थ्री प्लस का ट्वेल्व माइनस का फिफ्टीन। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का थ्री माइनस का ट्वेल्व प्लस का फिफ्टीन। थर्ड रो में करेंगे सेकेंड वाले कॉलम से तो आ जाएगा आपका थ्री ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन। फर्स्ट रो में हम लोग थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का फाइव प्लस का फिफ्टीन माइनस का ट्वेंटी। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस का फाइव माइनस का फिफ्टीन और प्लस का ट्वेंटी। थर्ड रो में करेंगे हम लोग फर्स्ट थर्ड कॉलम से तो आपका आ जाएगा फाइव प्लस का और फिर प्लस का फिफ्टीन माइनस का ट्वेंटी। तो देखो तो हर एक एलिमेंट यहाँ भी जीरो नहीं आ गया, जीरो 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 जीरो। तो ये भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स हो गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। तो हमें यही ना दिखाना था कि ए बी इक्वल टू में बी ए और इक्वल टू में ये किसके होगा, जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा थ्री बाई थ्री। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए, इफ ए एंड बी, देखिए दो मैट्रिक्स दिए हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं ए बी और बी ए, ये दोनों को दिखाना है कि ये जीरो मैट्रिक्स हो गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए पहले ए इंटू बी लेते हैं, हम लोग ए बी निकालते हैं। ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ए बी माइनस ए जीरो। और बी मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, इन्हें दिया है। चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स में बी से मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे जीरो प्लस का ए बी सी माइनस का ए बी सी। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस जीरो और प्लस का ए स्क्वायर सी। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस जीरो। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा जीरो बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी।
सेकंड रो में सेकंड कॉलम से आ जाएगा तय है माइनस का ए बी सी प्लस जीरो और प्लस का ए बी सी। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर और प्लस जीरो। फर्स्ट रो में आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका जीरो, फिर प्लस में बी सी स्क्वायर और फिर माइनस का बी सी स्क्वायर। सेकंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस का जीरो और प्लस का ए सी स्क्वायर। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी सी माइनस का ए बी सी और प्लस में जीरो। तो देखो तो ये आपका जीरो 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 सभी एलिमेंट नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे तो यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स ना हुआ थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, तो आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। अब बी में ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग बी ए निकालने वाले हैं, तो बी मैट्रिक्स को पहले तो बी का यही ना वैल्यू होगा ए स्क्वायर ए बी ए सी, ये ना हो रहा एलिमेंट्स, और फिर आपका ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, और इनटू में है यहाँ पर जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ए बी माइनस ए जीरो। चलिए अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है। जीरो मैट्रिक्स ही आना चाहिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे जीरो माइनस ए बी सी प्लस का ए बी सी। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो जीरो माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ जीरो माइनस का बी सी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर। फिर से देखिए अब आगे फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस जीरो प्लस सॉरी माइनस का ए स्क्वायर सी। सेकंड रो में सेकंड कॉलम से करेंगे तो ए बी सी प्लस जीरो माइनस का ए बी सी। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा क्या ए सी स्क्वायर प्लस जीरो माइनस का ए सी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो में अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी और प्लस का जीरो। सेकंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस जीरो। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी प्लस का जीरो। तो हर एक एलिमेंट यहाँ जीरो 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 नहीं हो जा रहा है, देखिए जीरो 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 जीरो, दैट मीन्स एक जीरो मैट्रिक्स हो गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। तो हमें प्रूफ जो करना था हम लिख सकते हैं देयर फॉर ए इंटू बी इक्वल टू में बी इंटू ए और इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाँच पढ़ने क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।